टेलीविजन एक्टर अमित टंडन और उनकी वाइफ रूबी ने अपने 7 वचनों को फिर से रिन्यू करते हुए दोबारा शादी कर ली है। कपल इससे पहले 2007 में शादी के बंधन में बंधे थे और उनकी 13 साल की एक बेटी भी है। हालांकि 2007 में शादी करने के बाद कपल के रिश्ते में कुछ खटास आ गई थी और 2017 में दोनों तलाक लेने वाले थे। हालांकि अपने रिश्ते के इस खराब मोड़ पर पहुंचने के बाद दोनों ने एक बार फिर से अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दिया और अब आखिरकार दोनों ने एक बार फिर से शादी करने का फैसला किया। शादी के 16 साल बाद उन्होंने अपने 7 वचनों को दोबारा से रिन्यू किया और एक बार फिर से शादी कर ली। अमित और रूबी ने हाल ही में एक जॉइंट पोस्ट के जरिए अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की। पेस्टल पिंक कलर के जोड़े में कपल बेहद खूबसूरत लग रहा था। इस खास दिन के लिए रूबी ने पिंक कलर के हैवी लहंगे को चूज किया था। इसी के साथ लाइट मेकअप और मेहंदी लगे हाथों के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। तो वहीं अमित इस दौरान पेस्टल गुलाबी रंग के कुर्ते पजामे में काफी हैंडसम लग रहे थे। कपल ने अपने इस मिलन का जश्न मनाया और उनके करीबी लोग और खास करके उनकी 13 साल की बेटी जियाना ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन तस्वीरों के साथ कपल ने एक स्पेशल नोट भी लिखा है। वे लिखते हैं, प्यार आसान नहीं है, इसमें बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारे साथ रहे और हमारे लिए रहे। अमित और रूबी की इस शादी के दौरान कई सारे इंडस्ट्री के लोग भी मौजूद थे। इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने भी शादी अटेंड की, साथ ही विवेक दहिया, दिव्यांका त्रिपाठी, कृतिका सेंगर, निकेतन धीर, गोहर खान, रिचा चड्ढा, इकबाल खान अपनी वाइफ स्नेहा छाबड़ा के साथ, गौतम रोड़े, अभिषेक कपूर सहित और भी कई सेलिब्रिटीज इनके इस रीयूनियन का हिस्सा रहे। कपल की शादी की रस्में मेहंदी सेरेमनी से शुरू हुई थी। उसके बाद दोनों ने फिर से अपने शादी के वचनों को रिन्यू किया और साथ ही निकाह सेरेमनी में भी शादी की। इससे पहले कपल की मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी काफी छाई हुई रही।